नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार पाठक कॉर्पोरेट 24 इंडिया न्यूज से। आज टेलीफोन के द्वारा सूचना मिली कि एक दुकान में लगभग 10,000 रुपये की लगी हुई केबिल चोर काट ले गए हैं। पता लगाने पर चोरों का पता भी लगा है, तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद। कहाँ रहते हो? थोड़ा तेज बोले भैया। ये क्या है मामला, कैसे केबिल की जानकारी कैसे हुई और किसने काटा, कुछ जानकारी संबंध में है आपको? जी, एक साल पूर्व ऐसी घटना हुई थी, केबिल लगाने नहीं दे रहे थे मोहम्मद जाबिर और पंछे। अच्छा। विधायक जी के लेटर पैड पे जो है केबिल को जुड़वाया गया और आए दिन ये केबिल को काट देते हैं। अच्छा। ऐसी बार ऐसी घटना हुई 10 तारीख को, ये रात में 9 बजे करीब 160 मीटर लगी केबिल को काट करके और उठा ले गए। चौकी में अप्लीकेशन दिया तथा IGRS भी किया। मैं चौकी में गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या कहा दरोगा ने जब चौकी में गए आप? तो दरोगा ने अभी तो कुछ नहीं बताए हैं, वो पार्टी को भी बुलवाए थे और फिर कहे जाइए फिर बाद में। पार्टी पहुँची वहाँ मौके पर कि नहीं पहुँची? पार्टी पहुंची थी, एक लोग पहुंचे और एक लोग जो है नहीं गए। हमको ऐसी भी जानकारी मिली है कि कभी कभी आपके दुकानों पर पत्थरबाजी करना या पीछे की बाउंड्री तोड़ देना, इस तरह की घटना भी हुई है क्या? जी, कई बार घटना हो चुकी है। इसके संबंध में कुछ जानकारी, क्या कौन घटना करता है? जी, ये मोहम्मद जाबिर और इनके भाई है मोहम्मद कंछेर। जी, ये बहुत गुंडे अपराधी किस्म के व्यक्ति। अच्छा अच्छा, ये काम क्या करते हैं? ये मोहम्मद जाबिर, ये सरिया सीमेंट की दुकान है और इनके भाई जो है कंछेर, ये गल्लही का काम करते हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में कि क्या कोई कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ? हमारे यहाँ चोरी हुई है तो इनका चोरी का मुकदमा जो है पंजीकृत किया गया। आप थाने पे गए? नहीं गए थे? थाने पे गए, IGRS भी किया 10 तारीख को, अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है।